अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रोशन अली अजीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो आज की जो हमारी वीडियो है वो सीमा रिंद या सीमा जखरानी के हवाले से है। ये वही सीमा जखरानी है जो पाकिस्तान से नेपाल पहुंची, नेपाल से वो इंडिया पहुंची अपने चार बच्चों के साथ, और वहाँ उन्होंने अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर दिया और किसी हिंदू लड़के सचिन के साथ शादी कर दी। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग मुझसे अपना मौक़िफ़ जो है वो जानना चाहते हैं कि मेरा इस मामले में मौक़िफ़ क्या। तो मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत तो नहीं करूँगा, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं उस पर बात करना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि ये कौन सा कानून ब्रेक किया गया और क्या कानूनी मामलात हैं। देखें, पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 9 के मुताबिक जो सीमा है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने की वो अपना हक रखती है। साइमल्टेनियसली इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 है वो भी उसको सेम इख्तियारात देता है। इस हवाले से जो सीमा है उसने कानून ज़रूर तोड़ा है, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक लॉ है वो उसने ज़रूर तोड़ा है। जो इमिग्रेशन ऑर्डीनेंस है 1979 उसने उसकी ब्रेकिंग की है, पासपोर्ट एक्ट 1974 है उसने भी उसको ब्रेकिंग की है, तोड़ा है। उसके साथ इंडियन पासपोर्ट जो अमेंडेड एक्ट है 2019 का इसने वो भी तोड़ा है, जिसकी साल 2 साल से 8 साल तक सज़ा उसको हो सकती है और 10 हज़ार तक जुर्माना उसको हो सकता है। उसके साथ एक इंटरनेशनल लॉ है इंडो पाक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1951 की, उसकी भी वायलेशन की गई, जिस पर नेपाल कहता है कि ये इसने वायलेशन की है, पाकिस्तानी सिटीज़न है और लड़की जो है इंडिया में दाखिल हुई है। उसके साथ जो है मैं एक बात वाज़े करता चलूं कि ये तो वो चीज़ें थी जो सीमा के अगेंस्ट हैं, लेकिन एक चीज़ जो है सीमा के फेवर में वो है इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1974 का जो क्लॉज एच ऑफ रूल्स 4 है सब सेक्शन उसका, तो वो सीमा के फेवर में जाता है। वो कहता है कि कोई भी बंगाली हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, कोई नेपाली हो, श्रीलंकन हो, कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो वो इंडिया में पनाह ले सकता है, वो इंडिया उसको अपनी शहरियत भी दे सकता है। इस हवाले से एक और सवाल भी आता है कि बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर के हैं जो सऊदी अरेबिया में रहता है, वो किसके पास जाएंगे। देखें, वो गुलाम हैदर का बच्चों पर हक है, वो इंटरनेशनल लॉ जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ उसकी एक शक होती है, रूल ऑफ रेनवाय, वो रूल ऑफ रेनवाय के तहत जो है वो सऊदी एम्बेसी से इंडियन एम्बेसी रابطہ कर सकता है, वो बच्चे अपने हासिल कर सकता है। जो बड़े बच्चे हैं वो स्यू ज्यूरिस अगर हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, या जो हिजानत का पीरियड है वो माँ के पास है, जो उस हिजानत पीरियड से बड़े हैं उन पर वालिद का हक होगा, अगर कोई लड़की है तो यकीनन उस पर वालिद का ही हक होगा। तो ये मामला थे, लीगल जो पहलू थे उसके मैंने डिस्कस करने थे, बाकी किसी की ज़ाती की ज़िंदगी में मैंने बात नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो लीगल इशूज़ थे आपको ये समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।